वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेलवे जॉब इन्फॉर्मेशन एंड ब्लॉग पे। तो ये वीडियो का टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि वीडियो किस पे होने वाला है। और वीडियो मतलब लास्ट वीडियो का रिस्पांस आप लोगों का बहुत अच्छा था। पहली बार मैं इसका पहले 10 के वीडियो वॉचिंग किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। लास्ट टाइम 5K या 4K तक ही होता था वीडियो मैक्सिमम वॉच, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लास्ट दो वीडियो आपने देखे टाइपिंग पे था, तो अब इस वीडियो है आपको टाइटल देख के तो समझ गए, लेकिन फिर भी बताऊंगा कि हुआ क्या था मेरे साथ, ठीक है। तो जब एक क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ, तो एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट है, तब तक मैंने कुछ समझ ही नहीं आता क्या होगा रिजल्ट वगैरह। जब रिजल्ट हुआ तो टाइपिंग का था, तो टाइपिंग के लिए क्या करूँ, तो जिस दिन रिजल्ट हुआ उस दिन जाके मैंने कीबोर्ड खरीदा, तो कीबोर्ड जाके ये खरीदा। तब तक मेरा रूम पार्टनर ने लैपटॉप भी खरीद लिया था, तब तक कुछ दिन के बाद वो लैपटॉप भी खरीद लिया था। तो मैंने कीबोर्ड खरीदा, सोचा मोबाइल से स्टार्ट करूँगा टाइपिंग मारना। तो हुआ वही कि कीबोर्ड जाके मैंने खरीद लिया उसी दिन जिस दिन रिजल्ट आया हो कि मेरा रिजल्ट हो गया अब टाइपिंग के एग्ज़ाम। तो मैंने है तो नॉर्मल सब लोग ने टाइपिंग मारा होगा। टाइपिंग मारा मीन्स कुछ भी ब्राउजिंग वगैरह किया, तो एक दो उंगली से मतलब मार के अपने सर्च किया, कुछ टाइप करना तो मतलब प्रॉपर जो एग्ज़ाम के लिए टाइपिंग चाहिए वो कोई जल्दी बहुत कम ही लोग किया है। जो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर में काम करते हैं उन लोगों का कुछ ठीक ठाक हो जाता है टाइपिंग, और हम लोग का जैसे दो तीन उंगली से यूज़ करना, तो वही हुआ मेरे साथ भी। मैंने फर्स्ट टाइम कीबोर्ड लिया और कीबोर्ड से इसका पहले भी दो तीन उंगली का यूज़ करता था, तो इस बार भी वही किया। एग्ज़ाम आ गया, केवल ये दो उंगली का यूज़ करने लगा और इसी से मैंने स्टार्ट कर दिया कि टाइपिंग मारने। केवल दो उंगली से ऐसे ऐसे मारते थे, दो और एक तीन शिफ्ट के लिए बस, और कुछ खास नहीं, दो उंगली का ऐसे ऐसे करके टाइपिंग स्टार्ट कर दिया था। तो उसी में क्या हुआ, तो जब टाइपिंग स्टार्ट किए तो मेरा शुरू शुरू में 8-10 गया स्पीड, फिर दो तीन दिन बाद मेरा 12-13 गया, तो फिर बड़ा 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 15, फिर 18-20 तक आ गया। दो उंगली का बता रहा, केवल दो उंगली से फिर इंक्रीज किया मैंने दो से तीन उंगली मारने के बाद, फिर उसमें फिर बढ़ा मेरा, और जाके लास्ट टाइम 24 में अटक गया स्पीड, उससे ज़्यादा बढ़ा ही नहीं स्पीड। फिर क्या, इसमें मैंने दे दिया 10-15 दिन दे दिया टाइमिंग, टाइम दे दिया केवल दो उंगली से, तो देखा मैंने फिर और दो दिन दौड़ के तो स्पीड बढ़ी ना, मैक्सिमम 24-25 स्पीड ही जा रहा था। तो फिर किसी ने बोला कि प्रॉपर रूल से मारो, बस मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक यही था, मैंने शुरू से ही प्रॉपर रूल नहीं, प्रॉपर रूल मैंने आप लोग जो प्रॉपर रूल होता है कि होम रूल, अपर रूल और जो बॉटम रूल, इस हिसाब से होम में आपका जो आता है, अपर में जो आता है, ये प्रॉपर रूल होता है। तो प्रॉपर रूल से फिर 15 दिन वेस्ट करने के बाद मैंने किया, फिर प्रॉपर रूल के लिए यूट्यूब देखा मैंने, फिर कुछ ऐप लिए और फिर चालू किया। तो चालू करने के बाद जब प्रॉपर रूल में आया, फिर वही शुरू हो गया, प्रॉपर रूल से चालू किया पहले, फिर जाकर फिर 3-4 स्पीड, 5-6 स्पीड ऐसे इंक्रीज करते करते एग्ज़ाम तक मेरा फिर जो प्रॉपर रूल का था उससे 20 तक ही मैक्सिमम स्पीड किया, और मैंने 20 का ही स्पीड से मार के आया था एग्ज़ाम में, तो 20 तक ही किया। तो सबसे बुरा यही होता है कि आप लोग जो भी टाइपिंग कर रहे हैं, आप अपना, हम ये इसलिए बता रहे कि जो बंदा अभी मार रहा हो ऐसा रूल से तो वो छोड़ दे, मैक्सिमम उतनी जाने वाला स्पीड आपका 30 के आसपास जाएंगे ही नहीं पाएंगे दो तीन उंगली से। तो अपना जो प्रॉपर रूल है उस रूल से आपने टाइपिंग करो तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा, पक्का बढ़ेगा। तो यही बोल रहा चाहता हूँ कि आप, मेरा गलती से आप लोगों को तो किसी का होगा जो ये गलती कर रहा हो उसको छोड़ दे और अपना जो प्रॉपर रूल है उस पर टाइपिंग करना चालू कर दे। ये सही रूल है, अपना होम रूल अपर रूल जो है पूरा 9 फिंगर 9-10 उंगली का यूज़ करके आप टाइपिंग कीजिए, वो बहुत बढ़िया है। शुरू शुरू कम होगा, अभी आप मारेंगे 7-8 जाएगा है ना, तो इसमें घबराना नहीं है, सुबह 7-8 ही जाएगा शुरू शुरू। आपको फिर की को भी याद रखना है कि कौन उंगली से कौन सा की है, कौन सा आपको शुरू शुरू लगे गुस्सा भी आएगा, लेकिन उसको नहीं, अब इसको संभल जाना। अभी अभी इसका आगे लेवल 4 और 6 का आया, तो अभी भी बहुत समय है आपका टाइपिंग के लिए, आप प्रॉपर रूल से करेंगे ना तो हो जाएगा। तो शुरू शुरू आपका 7-8 आएगा, फिर 10-12 आ जाएगा, फिर 14-15 में कुछ दिन रुक जाएंगे, क्योंकि उसके बाद मुश्किल से हो जाता है बढ़ना, फिर 14-15 रुकने के बाद 18-20 में रुक जाएंगे, फिर बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, फिर कुछ दिन बाद 20-22 मारेंगे, 22 के बाद 24 में पक्का फिर रुकेंगे, उसमें लंबा रुकेंगे 24 में, लंबा रुकने के बाद बहुत लंबा रुकेंगे 24 में, लेकिन घबराना नहीं, उसके बाद बढ़ेगा।
उसके बाद आप इंक्रीज करोगे 28-30, फिर मारने लग जाएगा। और अभी हुआ भी मेरा वही, और अभी मेरा स्पीड वही जा रहा है, 28-30 जा रहा है, एक्यूरेसी भी 90 के आसपास है। तो कुछ ज़्यादा स्पीड मारने खोजते हैं तो उसमें कुछ गलत होने लग जाता है, तो बस उसको अभी स्पीड मुझे बहुत ज़्यादा नहीं करना। आप लोगों को भी बहुत टॉप लेवल का स्पीड नहीं करना है, आपको टाइपिंग क्वालिफाइड नेचर का बार बार बोले हैं, केवल 30 के स्पीड से मारिए, 98-90-100% एक्यूरेसी से मारिए, कुछ नहीं होना, हो जाएगा। जो 50 से भी मारेगा उसका भी हो जाएगा, जो 30 से मारेगा अच्छा एक्यूरेसी के साथ तो उसका भी हो जाएगा। बस अपना एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, जितना अच्छा एक्यूरेसी से मारेगा, टाइपिंग 30 के स्पीड मिनिमम है, मैक्सिमम तो मार सकते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा तेज बनने के लिए ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा टाइपिंग मार देंगे तो इससे मेरिट नहीं बनने वाला, आपका मेरिट आपका मार्क्स से बनेगा, और इससे केवल आपको क्वालिफाई नेचर चाहिए और इसको क्वालिफाई करना है। बस यही था कि आप लोगों को गलती को अब दोहराए नहीं, जो हमने किया वो आप लोग ना करें, प्रॉपर रूल से लिए अभी काफ़ी समय है, बहुत ज़्यादा समय आराम से हो जाएगा। अगर कुछ सीखना भी चाह रहे तो आप सीख, वहाँ सीखने वाले लंबा समय ले जाता है, बहुत बहुत रूल बहुत आपको याद कराएगा, आप सीख रहे तो भी बढ़िया, लेकिन अपना रूम आके आप बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा, ठीक है। सीखने इसलिए अच्छा है क्योंकि आप वहाँ, मतलब बोलते हैं ना हम लोग जैसे वर्क में बोलते हैं फाकी नहीं मार सकते, वहाँ पे तो वहाँ पे आप फाकी नहीं मारते, अगर 3 घंटे गए तो 3 घंटे पीसी पे ही बैठे हैं, लेकिन रूम में आप फाकी मार लेते टाइपिंग उपिंग करने से, तो वैसे वो भी अच्छा है, लेकिन रूम में आपको खुद से मदद के आपसे खुद से टाइपिंग करना होगा। तो बस प्रॉपर रूल से मारे, कोई हड़बड़ाए नहीं, शुरू शुरू में दिक्कत होगा आपका, जो नया बच्चा जो जो पहले से टाइपिंग है उसके लिए तो बढ़िया है, जो नया है शुरू शुरू दिक्कत हो, प्रॉपर रूल से मारिए, होम रूल आपको दिक्कत हो रहा है यूट्यूब में जाइए, बहुत से चैनल है आपको बताया टाइपिंग का रूल, तो आपको उस रूल को फॉलो कीजिए, आपको हो जाएगा, और उसी के धीरे धीरे कीजिए। अभी जैसा मेरा स्पीड है 28 या 30 26 यही जाता है, तो अभी उसको और अच्छे से प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ, तो होता है तो कभी कभी 26 हो जाता है तो बहुत गुस्सा हो जाता है, जब 30-32 जाता है तो अच्छा लगता है। तो बस आपको समय लगेगा लेकिन आप जरूर सीख जाएंगे, प्रॉपर रूल से मारिए, बस मारिए और मेहनत करते रहिए, बहुत जल्दी टाइपिंग हो जाएगा, और उम्मीद करते सब क्वालिफाई करें, और जो नेगेटिव कमेंट करते हैं उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि नेगेटिव कमेंट भी जरूरी है, और जो अच्छा करते हैं उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अगर कोई किसी भी टॉपिक पर आपको डाउट है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, और किसी भी रिलेटेड वीडियो पे आप जॉब प्रोफाइल वगैरह किसी पे भी आप वीडियो बनाना चाहते हैं कि कलर के बाद आप क्या क्या बन सकते हैं, तो उस पे भी मैं वीडियो बना दूंगा, और बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लास्ट वीडियो जैसे रिस्पॉन्स दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।